हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन सो दोस्तों आज मैं बताऊंगा। सो दोस्तों, आप लोगों को आज बता दूं, काफ़ी आप लोगों के कमेंट आ रहे थे एक ही कमेंट, जो इनकम सर्टिफिकेट या फिर जाट सर्टिफिकेट के चेंज करने का। सो दोस्तों, यहां पे आप लोगों को बता दूं, जो वीडियो मैंने बताया था यहां पे रिन्यूअल फॉर्म को भरें, उस पर अभी 30,000 व्यू होने वाले हैं, हो चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ वहाँ पे हम मैंने बताया था कि बिना गलती के आप स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरें, आप लोगों को फाइनल प्रिंट नहीं करना है। सो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो नवीनी पत्र जो है, नवीनी जो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षण जो है, जो करेक्शन है, वो कृपया करेक्शन करने जाते होगे, BR आ जाता होगा, उसको आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका क्या सलूशन है, यही आप लोगों को वीडियो बनाऊँगा और इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा पूरा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को, कुछ ऐसी इंटरफेस आप लोगों को करना पड़ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे आप लोगों का सब कुछ सही हो चुका होगा, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन, आप लोगों का नवीनी पत्र जो है, नवीनीकरण जो संशोधित हो चुका है, फोटो अपलोडेड हो चुका होगा, प्रमाणित प्रति हेतु नंबर डाले, ये सब कुछ हो चुका होगा दोस्तों। यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षण के बाद आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये जब आप लोग संशोधित करने जाते होगे दोस्तों, सो आप लोगों का यहाँ पे नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, जो भी आप लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट डालते होगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पे सबमिट करते होगे भीतर, उसके बाद आप लोगों का BR आ जाता होगा। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इसका भी आप लोगों को सलूशन बताऊंगा। सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को सलूशन ये है, आप लोगों का अगर जो रिन्यूअल फॉर्म है, ठीक है, आपका एक्सपायर हो चुका है इनकम सर्टिफिकेट, कृपया आप ध्यान से फिर से सुनिए, आपका एक्सपायर हो चुका है, 2017 का है इनकम सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट या फिर जाति सर्टिफिकेट या फिर आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र, वे सारे आप लोगों के 2017 के एक्सपायर ही यहाँ पे चलेंगे दोस्तों। आप लोगों को बता दूं, आपका यहाँ पे आपने छोड़ा था मेरा वीडियो देख के कि प्रारंभिक परीक्षण जो है, यहाँ पे जो है संस्था हेतु प्रिंट नहीं करना है, मैंने बताया था, लेकिन आपको यहाँ पे जो है आपका 2017 का चलेगा, आपको सिर्फ ओनली यहाँ पे जो करेक्शन है वो नहीं होगा। आप लोग करते होगे, जिनका नहीं हो पा रहा वो मत करिए, उनका 2017 का इनकम सर्टिफिकेट चलेगा। इन आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र या फिर आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र, तीनों आप लोगों के 2017 के चलेंगे। यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन में अपने पता करिए, इंस्टीट्यूशन जो है आपके वही पुराने ले रहे हैं, ठीक है, यही यहाँ इस पर रूल है, क्योंकि यहाँ पर रिन्यूअल का चेंज ही नहीं हो रहा, तो हमारे पास मजबूरी है, स्टूडेंट के पास मजबूरी है, वे क्या करें। तो स्कॉलरशिप फॉर्म भी निकल रहा है, 10 दिन बचे हैं, आपको भी पता है 24-7 तारीख हो गई है, 5 नवंबर लास्ट डेट है, तो आपको यहाँ पे संस्था हेतु आवेदन प्रिंट कर लेना है, आपको कोई वेट नहीं करना है, 10-11 दिन बचे हैं, तो आप अपने फॉर्म को कॉलेज में पहुँचाइए, नहीं तो आपका फॉर्म रुक जाएगा, आपकी स्कॉलरशिप जब फॉर्म ही नहीं कॉलेज में पहुंचेगा तो स्कॉलरशिप क्या आएगी। आप अपने स्कॉलरशिप को, फॉर्म को कॉलेज में तो पहुंचाइए दोस्तों। सो यहाँ पे आपको संस्था हेतु प्रिंट कर लेना है बिल्कुल। यहाँ पे अगर जो आपका पहले यहाँ पे जांच हेतु प्रारंभिक परीक्षण नहीं हो रहा है संशोधित, तो कृपया संस्था हेतु प्रिंट कर लीजिए, 2017 का इनकम सर्टिफिकेट जांच प्रमाण पत्र सब चल रहा है दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कुछ ये मेरा वीडियो। सो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, मैंने 2017 का इनकम सर्टिफिकेट लगाया है, ठीक है, मेरा एक्सपायर हो चुका है, मैं रिन्यूअल फॉर्म का यहाँ पे फोर्थ ईयर का भरा हूँ, लेकिन यहाँ पे बीटेक थर्ड ईयर का जो इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसमें भरा था, वो फोर्थ में चेंज ही नहीं हो रहा, तो हमारे पास मजबूरी है रिन्यूअल फॉर्म की, तो इसलिए जो है अपडेट आप लोगों को इंस्टीट्यूशन बता देंगे, हर इंस्टीट्यूशन में अपडेट पहुंच चुका है, समाज कल्याण ने पहुंचा दिया, जो पुराना इनकम सर्टिफिकेट वही चलेगा, तो आपको संस्था हेतु आवेदन प्रिंट कर लेना है, 2017 का इनकम सर्टिफिकेट है, कोई बात नहीं, कोई चेंजमेंट नहीं करना आपको, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ चुका होगा, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे एक ही टॉपिक पे, इनकम सर्टिफिकेट चेंज करने के जात चेंज नहीं हो रहा, BR आ रहा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा,
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करने हैं यार, आप लोगों को थोड़ा सा सब्सक्राइब ही करना है दोस्तों, थोड़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू, बाय बाय।